हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत बड़ा चैप्टर है स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स के रिस्पेक्ट में पहला क्वेश्चन तो बनता है स्टार्टअप्स क्या होते हैं। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि स्टार्टअप्स जानते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं दिखता। बट सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है, और अब हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, यू नो इट वेरी वेल कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, कोई इनोवेशन, कोई टेक्नोलॉजी या कोई सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन इन एग्जिस्टिंग प्रोसेस सर्विसेज प्रोडक्ट एक्सेट्रा। अब हमें इस चैप्टर में आप भी जानते हैं यही पढ़ना होता है कि हाउ गवर्नमेंट प्रमोट्स स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स क्रिएट कैसे होते हैं, वो तो कोई कंपनी LLP के फॉर्म में ही होती है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या एग्जम्पशंस हैं और फंडिंग कहाँ से होती है स्टार्टअप्स। तो हम वहीं पर डिस्कशन को फोकस करेंगे, हमारा डिस्कशन वहीं के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद दिस स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी। तो स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी में गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए और हम वन बाय वन सबको पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर होता है टैक्स एग्जम्पशंस और टैक्स रिलैक्सेशंस वाले प्रोविजन, बट हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फंड ऑफ फंड्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमें पता है बेसिकली यहाँ पर फंड्स होते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIF। और क्या होता था, क्लास में पढ़ते वक्त तो हमने सिक्योरिटी लॉ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था या बहुत सारी टर्मिनोलॉजी नई हुआ करती थी, बट अब तो सब टर्मिनोलॉजी से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, तो सब आपको समझ में भी आएंगे। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम AIF को कंट्रीब्यूट करेंगे, AIF को हम पैसा देंगे और AIF आगे स्टार्टअप्स में पैसा लगाएगा। तो 10,000 करोड़ का फंड सेटअप किया गया उसके लिए और मैनेज कौन करता है इसे, SIDBI। नेक्स्ट, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप्स क्या है, क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया कि लाइक MSME को जब आप लोन दोगे, स्टार्टअप्स को आप लोन दोगे तो उसकी गारंटी ये क्रेडिट गारंटी फंड के थ्रू गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी बैंक्स को। पॉइंट नंबर 3, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में बहुत सारे रिलैक्सेशंस मिलेंगे स्टार्टअप्स को, राइट। तो सबसे बड़ा मैटर तो क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस, क्योंकि वहां होता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में कि जिससे भी हम जो भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का मिनिमम 3 साल 5 साल इज द केस एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट इन केस ऑफ स्टार्टअप्स वो रिलैक्सेशन है, मतलब प्रायर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, टेंडर वाली प्रोसेस में। आगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये स्पेसिफिक क्वेश्चन ना आ जाए, इनकम टैक्स इंसेंटिव, इनकम टैक्स में एग्जम्पशन। सबसे पहले तो गवर्नमेंट लाई एक सेक्शन 80IAC जहां उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स को 3 साल तक हम टैक्स ही नहीं लगाएंगे, कि 3 साल आप खुद सेलेक्ट कर लें, आउट ऑफ 7 ईयर्स स्टार्टिंग के 7 साल में से कोई भी 3 साल आप टैक्स ना दे चलेगा, बट वो 3 साल कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं अभी फिर अगले साल फिर अगले साल फिर उसके बाद 3 साल बाद कभी और, नहीं, कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर, यू चूज 7 में से कौन से 3 साल आपको एग्जम्पशन चाहिए, ठीक है। एंटिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP इनकॉर्पोरेटेड हुई हो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016, वही एक्चुअली जब स्टार्टअप इंडिया स्कीम अनाउंस की गई थी उसके बाद, और चलेगी कब तक, 1 अप्रैल 2021 के पहले पहले, मतलब 31 मार्च 2021 तक जो भी कंपनियां बनेंगी वो स्टार्टअप्स के इस एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट था। अब ये एग्जम्पशन मिलती कैसे, उसके लिए बोला गया DPIIT के पास रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। वो भी कहाँ लिखा है, मैं उससे भी आपको फेमिलियर करवा दूँ डायरेक्टली, वो ही कनेक्टेड पॉइंट है तो पढ़ लेते हैं। यस, हियर इट इज। आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन एक तो होता ही है वो आप वेब पोर्टल से या मोबाइल एप्लीकेशन से, उसके अलावा आपको DPIIT के पास फॉर्म 1 के थ्रू ATISC के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ATISC के एग्जम्पशन चाहते हो तो आपको फॉर्म 1 भर के अप्लाई करना पड़ेगा DPIIT के पास, ठीक है। तो और वो क्या है, वो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के पास अप्लाई करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टैक्स इंसेंटिव, फेयर मार्केट वैल्यू, आप जानते हो सेक्शन 56(2)(7)(b), आपने इनकम टैक्स में पढ़ा है अदर सोर्सेज वाले हेड में, कि अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर इशू करती है तो डिफरेंस अमाउंट उस कंपनी के लिए टैक्सेबल होता है, एक तरह से वो गिफ्ट है।
बट अगर वो कंपनी स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अकॉर्डिंग, पॉलिसी के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, तो इन लोगों पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे 56(2)(7) भी, एंड अकॉर्डिंगली फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर भी इशू करोगे तो कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। बस हाँ, आपको एक डिक्लेरेशन जरूर फाइल करना है DPIT के पास फॉर्म 2 में कि हमने इतना पैसा लिया है, इतनी फेयर मार्केट वैल्यू थी, इतने पर इशू किया है शेयर, उतने शेयर इशू किए, इतना पैसा आया, बस केवल एक डिक्लेरेशन फाइल कर। नाउ एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया 54EE, ये बिल्कुल वैसा है जैसा 54EC हुआ करता था कि आप NHAI के बॉन्ड्स में पैसा लगाएं, वैसे यहाँ क्या कहा है कि हम फंड्स नोटिफाई करेंगे, जनरली ये फंड्स वही हैं जो स्टार्टअप्स की फंडिंग करते हैं, और कहेंगे कि इन आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अपनी बेची, उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, आप वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पैसा इन फंड्स में लगा दो जो हम नोटिफाई करेंगे, तो आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। नाउ सेक्शन 54GB, ये भी सेक्शन आप जानते हो कि एक पर्सन अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचकर एक कंपनी बना ले, कंपनी में मिनिमम 51% अपनी शेयर होल्डिंग रखे, 50%, और उस कंपनी का पैसा वो जो शेयर्स आपने कंपनी में खरीदे हैं, देखो बेसिकली बात, आपने अपना मकान बेचा, मकान बेचकर जो पैसा आया उसे कंपनी में लगाओ, कंपनी भी आप बनाओ, 50% मतलब शेयर होल्डिंग आपकी होनी चाहिए कंपनी में, और फिर वो कंपनी, आपने जो शेयर्स खरीदने के लिए कंपनी को पैसा दिया, शेयर्स खरीदे कंपनी को पैसा दिया, कंपनी वो पैसा स्पेसिफिक असेट्स खरीदने में लगा, है ना, स्पेसिफाइड असेट्स। अब उसमें क्या कर दिया कि अगर मिनिमम होल्डिंग 50 जो थी वो नॉर्मल कंपनी के लिए है, स्टार्टअप्स के लिए 25% होल्डिंग भी चलेगी, अगर आपकी वो कंपनी स्टार्टअप है तो आप उस कंपनी की 25% शेयर होल्डिंग भी रखते हो, और वो कंपनी फिर उस पैसे का यूज स्पेसिफाइड असेट्स को खरीदने में करती है, तो इट विल वर्क, 25 पे भी चलेगा। और इसको पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया 31 मार्च 2021 तक, ये एग्जम्पशन आप ले सकते हो 54EE। नाउ डिडक्शन सेक्शन 79, ये क्या होता है सेक्शन 79, आप जानते हो एक प्रोविजन कि अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है और उसको 18-19 में लॉस हुआ था और अब 20-21 में उनको प्रॉफिट हुआ है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इस साल, लेकिन अगर 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग चेंज हो गई है तो वो कंपनीज कैरी उस लॉस को आज सेट ऑफ नहीं कर सकती, मिनिमम 51% शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए, जिस साल लॉस हुआ था उसके लास्ट दिन, और जिस साल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो उसके यहाँ कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर रहे हो सॉरी उसके लास्ट दिन एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए, लेकिन स्टार्टअप में ये चलेगा, या तो 51% शेयर होल्डिंग सेम हो जाए, या स्टार्टअप में प्रॉब्लम क्या आती थी कि 3 साल पहले हमने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था, तब तक तो इन्वेस्टर्स भी नहीं आए थे सर, प्रॉब्लम क्या आने लगी फिर 79 सेक्शन कैरी फॉरवर्ड पर रेस्ट्रिक्शन है, प्रॉब्लम ये आने लगी सर हमने 3 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, उस दिन अच्छा खासा लॉस हुआ, कोई इन्वेस्टर भी नहीं आए थे इन्वेस्ट करने, अब इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इन्वेस्ट करने, तो वो अच्छी खासी हमें शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करनी पड़ती है, आप जानते हो सीरीज फंडिंग एंड ऑल, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, तो मुझे तो फंडिंग, मेरी फंडिंग लाने के लिए मेरी शेयर कैपिटल डाइवर्ट करनी पड़ रही। अब आप कह रहे हो 51 मेरी रखूं, कैसे रखूं 51, 70% मांग रहे हैं वो फंडिंग वाले लोग, इन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स के लिए 51% शेयर होल्डिंग, और दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल कर दो, या 100% ओरिजिनल शेयर होल्डर अभी भी कंपनी में बने रहे, मतलब भले ही उनकी शेयर होल्डिंग 51 से कम हो जाए लेकिन वो बने रहे शेयर होल्डर, इट मीन केवल डाइल्यूशन हो रहा है, शेयर होल्डर बने रहे भले शेयर होल्डिंग कम रह जाए तो भी चले। पेटेंट एग्जामिनेशन और उसका पेटेंट का रजिस्ट्रेशन बहुत कम पैसे में, 80% रिबेट है आपको पेटेंट की फीस में अगर आप स्टार्टअप है तो, और जो फैसिलिटेटर होगा जो आपका पूरा अरेंज करवाएगा पेटेंट रजिस्टर्ड करवाने के लिए काम करेगा, उनकी फीस भी सरकार आपको रिइंबर्स करेगी इफ यू आर रजिस्टर्ड स्टार्टअप। कुछ कंप्लायंस आपके सेल्स सर्टिफाई कर दिए कि आपको वो किसी से सर्टिफाई भी नहीं करवाने, नहीं हम इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, आप ये पॉल्यूशन वाले एक्ट में, वाटर वाले तीनों एक्ट में आपके सेल्स सर्टिफिकेट चलेंगे, और इट वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री कर दिए 36। वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, जिन्हें हम मानते हैं नॉन पॉल्यूटेंट इंडस्ट्री, ठीक है। नाउ इंक्यूबेटर्स बना दिए, आप जानते हैं इंक्यूबेटर्स क्या काम करते हैं, नीति आयोग, पहले इंडिया में प्लानिंग कमीशन चलता था, अब नीति आयोग चलता है मोदी जी के बाद से, नीति आयोग का काम ही होता है सरकार की पॉलिसीज बनाना, देश का विकास करने के लिए काम करना, और नीति आयोग इंक्यूबेशन सेंटर स्टेब्लिश करेगा, और क्या काम होगा उनका, वही वो इंक्यूबेशन का काम करे, इंक्यूबेशन का काम में क्या होता है स्टार्टअप को सपोर्ट करना, इनिशियल डेज में उन्हें मैनेजमेंट सपोर्ट देना, है ना, उन्हें सिखाना, बहुत कुछ होता है इंक्यूबेटर का यही काम होता है। और 3600 एप्लीकेशन आई,
इंक्यूबेशन सेंटर ओपन करने के लिए, राइट। और सरकार 10 करोड़ रुपए का ग्रांट देगी अगर आप एग्जिस्टिंग इंक्यूबेटर हो और एक्सपांड करना चाहते हो तो। इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, कोई स्टार्टअप सेंटर एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सपोर्ट एस्टेब्लिश करने के लिए भी सरकार पैसा दे रही है। रिसर्च पार्क के लिए सरकार, रिसर्च पार्क सरकार सेटअप कर रही है। तो ये सारे काम, अब ये बहुत थ्योरेटिकल है। एलिजिबिलिटी टू बिकम ए स्टार्टअप, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 साल तक आप स्टार्टअप हो सकते हो बनने के, ये बड़ा अमेंडमेंट है, पहले कम टाइम था बट 10 साल कर दिया। और रजिस्ट्रेशन किसको मिलेगा, तो प्राइवेट कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या एलएलसी। कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर, 10 साल हो जाए आपको बने हुए स्टार्टअप नहीं रहोगे, 100 करोड़ का टर्नओवर हो जाए बनने के 3 साल बाद ही 10 साल के पहले स्टार्टअप नहीं रहोगे। और लास्ट लाइन तो आप जानते हो, एंटिटीज वर्किंग टुवर्ड इनोवेशन डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, एग्जिस्ट, अब क्या लोगों का दिमाग क्या चलता है, जैसे ही अप्रैल 16 में स्कीम, जैसे ही 2016 में स्कीम आई स्टार्टअप, तो 3 साल तक यार टैक्स नहीं लगेगा तो हमारी कंपनी को भी हम स्टार्टअप बना दें। लेकिन आपकी कंपनी तो 16 के पहले ही बन गई, ठीक है, उसे रिकंस्टिट्यूट कर देते, रिकंस्ट्रक्ट कर लेते, बंद करके चालू कर लेते, नहीं। एंटिटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटिटी, उसे स्टार्टअप नहीं कहेंगे। इवन 10 साल के पहले भी आप स्टार्टअप नहीं बचोगे अगर किसी भी वक्त आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा हो गया, सिंपल, ये तो हम जानते हैं। स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वही डीपीआईआईटी के पास एक ऑनलाइन एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अपना एक प्रूफ कि क्यों आप स्टार्टअप हो, अपने बारे में राइटअप, ये चीजें सबमिट करनी है। इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के पास अप्लाई करना है, वही 3 लोगों का इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड, ATIEC के एग्जम्पशन के लिए। 56 मैंने आपको पढ़ा दिया, यस। अब 56 में प्रोविजन क्या है, एंजल टैक्स का प्रोविजन क्या है। अब एंजल टैक्स क्या होता था, वही कि बेटा आप सोचो एक स्टार्टअप है, उसमें कोई एंजल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली स्टार्टअप अपना 25 रुपए वाला शेयर, 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर 1000 रुपए पर इशू करती होगी, ज्यादा पे करती होगी क्योंकि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो अब आप 990 पर टैक्स लगा दोगे, यही है ना 56(2)(7)(b) कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर शेयर इशू किया तो वो क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए इनकम। तो 10 रुपए वाला शेयर 1000 रुपए पर इशू कर रहे थे स्टार्टअप वाले, तो इतना पोटेंशियल दिखता था इन्वेस्टर्स को, 990 को आप इनकम बना बता देते थे, 30% टैक्स लगा दोगे, कहते नहीं होगा ऐसा। वही अगर आप स्टार्टअप हो तो आप पर ही प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, मैंने पढ़ाया ऊपर, इसको एंजल टैक्स कहते हैं। लेकिन ये तब तक ही है जब तक कंपनी की इश्यूड कैपिटल, शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग प्रीमियम 25 करोड़ से ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा है तो प्रोविजन आप पर एप्लीकेबल हो। ये सब वही कहानियां चल रही है। इंडियन स्टेट्स विद स्टार्टअप्स पॉलिसी, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, स्टार्टअप्स के बेनिफिट्स हम अच्छे से जानते हैं, हो गया टैक्स एग्जेम्पशन वाला पार्ट, बहुत रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो कंपनी एलएलपी और फॉर्म कैसे बनती वो सिखा रहे हैं, तो जरूरत ही नहीं है। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक काम के क्वेश्चन पर आते हैं, स्टार्टअप्स की फंडिंग का मैटर पढ़ते हैं, एक्चुअली इंपॉर्टेंस तो यही है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यहाँ है, सब शॉर्ट नोट के क्वेश्चन। सीड कैपिटल, शॉर्ट नोट, सबसे पहली स्टेज पर जब आप पैसा ले रहे हो, सीड कैपिटल, पर जनरली ये सीड ऑब्वियस है, अभी तो बीज है, स्टार्टअप्स के लिए बेसिकली पैसा चाहिए आपको अभी स्टार्टिंग में। कहाँ से लाते हैं, फाउंडर, उनके रिलेटिव और फ्रेंड एक्सेट्रा से ये पैसा अरेंज होता है। टेक्निकली बिजनेस स्टार्ट करते वक्त ये पैसा चाहिए होता है, फाउंडर फैमिली फ्रेंड से आता है, मार्केट रिसर्च प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए पैसा यूज होता है, इसी से आप एक्सप्लोर कर पाते हो बिजनेस को, आइडिया को एक्सप्लोर कर पाओगे, R&D तभी कर पाओगे जब थोड़ा पैसा आएगा, तो सबसे ज्यादा रिस्की है यहाँ पैसा लेना, और वैसे भी बाहर से किसी से मिलता नहीं है जल्दी। नेक्स्ट, अब आते हैं फंडिंग के नेक्स्ट स्टेज पर, दिस इज VC वेंचर कैपिटलिस्ट और PE प्राइवेट इक्विटी। ये पहला बड़ी फंडिंग है स्टार्टअप की, पहली बड़ी फंडिंग, फर्स्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट है जो स्टार्टअप एक्सपेक्ट कर सकती है फ्रॉम इन्वेस्टर। जनरली यहाँ पर कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट इशू होते हैं शुरुआत में, तो ताकि डिबेंचर रहे, ताकि फिक्स रिटर्न मिले, जब तक रिस्क है तब तक रिस्क है तब तक, बाद में कन्वर्ट होगा इक्विटी में, जब ऑनर बन जाएंगे, बड़ी कंपनी बन जाएगी तब। अब होता क्या है,
पहले इसके लिए कंपनी का वैल्यूएशन करवाना होगा। यस, वैल्यूएशन हम लोगों की जरूरत है वहां, क्यों? ऑब्वियस है ना कि इन्वेस्टर्स 50 करोड़ रुपए दे रहा है तो कितनी शेयर होल्डिंग बदले में लेगा, उसके लिए कंपनी का वैल्यूएशन करवाना पड़ता है कि इसका वैल्यूएशन है कितना। 200 करोड़ की कंपनी, 50 लगा रहा हूं तो 25% मेरा शेयर होल्डिंग। तो प्री नंदनी वैल्यूएशन होता है कंपनी का। फाइनली फिर बाद में ड्यू डिलीजेंस होते हैं, फाइनेंशियल लीगल टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस इन्वेस्टर करवाता है, पूरी चेकिंग करवाता है कंपनी की। नाउ अब फंडिंग की प्रोसेस पर आते हैं। तो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी पैसा देने का एक तरीका है, मैंने शॉर्ट नोट्स भी लिखवाया हुआ है क्लास में। और प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल फंड्स, वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी जो पैसा दे रहे हैं इन्वेस्टर्स, लेकिन पब्लिक ऑफर के थ्रू नहीं, प्राइवेटली आप इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो प्राइवेट इक्विटी। फंडिंग की प्रोसेसर क्या होती है? सबसे पहले एक एमओयू साइन होता है केवल, यस हम इंटरेस्टेड है आपकी कंपनी में पैसा लगाने। बेसिक कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इन्वेस्टर एंड स्टार्टअप। उसके बाद ड्यू डिलीजेंस होता है, फिर होगा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में एक शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट या डिबेंचर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट। ये डिटरमाइन होना है कितना पैसा आप दोगे, कंपनी का वैल्यूएशन कितना, कितना आप सब्सक्राइब करोगे। इसके पहले कि हम पैसा आपको दें, कौन कौन सी चीजें आपको फुलफिल करनी है, क्या क्या चीजें आपको कंप्लीट करनी है, और कंपनी का ड्यू डिलीजेंस एक्सेट्रा सब होगा इस स्टेज पर। अभी फाइनल स्टेज पर जब पैसा दे दिया जाएगा तब होगा शेयर परचेस एग्रीमेंट, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। ठीक है, अब हम बात करें इस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा जाता है। अब इन्वेस्टर सब चाहेगा आपसे, पैसा दिया उसने, अब वो सबसे पहले चाहेगा बोर्ड पर मेरा रिप्रेजेंटेशन हो, मुझे टाइम टू टाइम आप इन्फॉर्मेशन कैसे दोगे, रिडम्पशन पर मेरे राइट क्या होंगे, और ये बचे हुए सारे राइट, प्रीएम्पशन राइट, किसी को भी इशू करो पहले मुझसे पूछना, फर्स्ट रिफ्यूजल मैं करूंगा, अगर मैंने मना कर दिया खरीदने से तो आप किसी और को शेयर्स देना, टैग अलोंग राइट, अगर आप अपनी शेयर होल्डिंग बेचकर जाते हो आपका मन पलट गया मैं तो कंपनी बेच रहा हूं अब, तो पहले आप मेरा भी बिकवाओगे साथ में, टैग मुझे भी करना, ड्रैग अलोंग अगर मैं गया आपको भी ले जाऊंगा, ड्रैग अलोंग राइट, लॉक इन पीरियड, इसके पहले वो नहीं बेच सकते इन्वेस्टर शेयर्स, और एग्जिट ऑप्शंस लॉक इन के बाद। तो ये सब चीजें लिखी रहती हैं। फिर क्या होगा प्रोसेस में, फिर प्राइवेट प्लेसमेंट आएगा, फिर आप आरओसी के बाद फाइलिंग करोगे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के थ्रू। अगर इन्वेस्टर ने बोला था कि आपके आर्टिकल्स की चीजें चेंज करवाओ तो आपको आर्टिकल को अल्टर करवाना पड़ेगा, तब जाके प्रोसेस कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एंजल इन्वेस्टर, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी वन होती है वेंचर कैपिटल फंड, और उसका एक टाइप है एंजल फंड जो छोटे वीसीज में पैसा लगाता है, छोटे वेंचर में पैसा लगाता है, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, स्मॉल वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। कौन सी होती है स्मॉल वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, वहां पैसा लगाने वाले को कहते हैं एंजल फंड। कौन सी होती है छोटी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, पॉइंट नंबर वन, 3 साल हुए उसको अभी बने हुए, 3 साल से ज्यादा नहीं हुए, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर उसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, और वो किसी ऐसे प्रमोटर ग्रुप का पार्ट नहीं है जिसका टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सॉरी, उसका टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और किसी ऐसे प्रमोटर ग्रुप का वो पार्ट नहीं होनी चाहिए, सॉरी, 3 साल नॉट लिस्टेड, 25 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं, 250 मिलियन उसी को कहते हैं, और 3 बिलियन रुपीज मीन्स करीब करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा वाली नेटवर्थ की अगर इंडस्ट्री वाले ग्रुप की वो कंपनी है तो फिर वो क्यों एंजल फंड उसे पैसा दे। तो ऐसा ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रुप की वो कंपनी नहीं हो जिसका नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, टर्नओवर सॉरी 3 साल से ज्यादा नहीं हुए बने हुए, लिस्टेड नहीं होनी चाहिए वो कंपनी, तभी एंजल फंड उसमें पैसा लगा सकते हैं, छोटे वीसीयू तभी कहेंगे, और तीसरा उस कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ से कम, और चौथा किसी ऐसे प्रमोटर ग्रुप की कंपनी नहीं होनी चाहिए ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रुप की जिसका टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा। डील साइज क्या होगी, 50 लाख से 5 करोड़ ओके, और मिनिमम 3 साल का होल्डिंग पीरियड। फिर ब्रिज राउंड होता है कि आपको कमिटमेंट हुआ है और फाइनल आपको डिसबर्स हो पैसा, और अभी सैंक्शन और डिसबर्समेंट के बीच में जो फाइनेंसिंग होती है उसे ब्रिज फाइनेंस कहते हैं, या सीरीज फंडिंग और अभी के बीच में जो फाइनेंसिंग हो रही है उसे ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं, और फाइनली फिर होती है सीरीज फंडिंग, एक के बाद एक अब इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे और पैसा लेकर आएंगे टाइम टू टाइम सीरीज के थ्रू बार बार। ठीक है, अब आगे आते हैं, हमें ये पढ़ना था,
सीरीज ए राउंड, सीरीज ए मीन्स सीरीज का पहला राउंड। तो आप जानते हो सीरीज ए राउंड के पहले आपको बहुत कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीरीज ए में अगर कुछ गलती हुई तो आपकी आगे भी गलतियां कंटिन्यू होंगी या प्रॉब्लम कंटिन्यू होंगी। सीरीज ए राउंड के वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। पॉइंट नंबर वन, बी सीरीज ए रेडी, पता लगा लें यार वेंचर कैपिटल फंड कौन कौन से हैं जो पैसा देने के लिए रेडी है। वेंचर कैपिटल फंड क्या देखते हैं किसी छोटी कंपनी में स्टार्टअप में पैसा लगाने के पहले, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। ठीक है, लिखा है इफ यू आर लुकिंग टू रेज सीरीज ए इट माइट बी अ गुड आइडिया टू गेट फेमिलियर विद व्हाट वेंचर कैपिटल फंड्स लुक फॉर। और इसी के लिए फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपके रेवेन्यू जनरेट करें, उसी के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस मॉडल प्रूव करें। तो बी सीरीज ए रेडी। पॉइंट नंबर टू, स्टार्ट अर्ली, जल्दी स्टार्ट करें। अगर आपको पैसे की जरूरत अभी मार्च में आने वाली है तो फरवरी में स्टार्ट मत करना, इट अराउंड इट टेक्स अराउंड 5 to 6 months। तो फंडिंग की प्रोसेस स्टार्ट पहले जल्दी कर दें। अपने नेटवर्क का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, जितने लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे इन्वेस्टमेंट के लिए उतने आपके पास ऑप्शन होंगे, जितने ऑप्शन होंगे उतनी कम उतनी सरल शर्तों पर उतनी आसान शर्तों पर आपको लोन मिल जाएगा। लीवरेज योर नेटवर्क। नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर फोर, प्रैक्टिस योर पिच। उन लोगों के साथ कांटेक्ट करें, उन लोगों के साथ डिस्कशन करें जो सीरीज फंडिंग ला चुके, ताकि आपको उनके एक्सपीरियंस से पता पड़ेगा व्हाट टू डू व्हाट शुड नॉट। पॉइंट नंबर फिफ्थ, एक फंड रेजिंग मोमेंटम क्रिएट कर दें, लोगों को बता दें, लोगों को पता चल जाए कि आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट चाहते हो, आप पैसा कलेक्ट करना चाहते हो, आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, लोगों को पता चल जाए। रीजन वही, ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन आपको मिलेंगे उतनी आसान शर्तों पर आपको पैसा अरेंज हो पाए। ऐसा ना हो कि स्टार्टअप्स के चलते कोई बहुत ज्यादा टफ कंडीशंस पर आपको पैसा दे दे, इसलिए मार्केट की प्रैक्टिस पहले जान ली जाए। तो गेट द नो द स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस और उसके अकॉर्डिंग गेट द डील टर्म्स राइट, अच्छी डील टर्म्स पर इन्वेस्टमेंट कर लेकर आए। और ट्राई करें इन सारी लीगल जार्गन्स, इन सारे डॉक्यूमेंटेशंस को मेंटेन करने के लिए आपके पास एक कंपनी सेक्रेटरी अवेलेबल हो, तो इन डेज अब कंपनी सेक्रेटरी। नेक्स्ट, पेपर वर्क इन प्लेस, आपके पास पूरा ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, लीग कंपनी के सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने चाहिए, इन्वेस्टर आएगा ड्यू डिलिजेंस करने के लिए मांगेगा, आपके पास वो खुले। और लास्ट, एस्केलेशन के लिए प्रिपेयर रहे हैं, जितना आपका बजट है उससे 10-15% ज्यादा कलेक्ट करें, ताकि अगर कभी एस्केलेशन भी हुआ, कॉस्टिंग बढ़ी भी, तो ये पैसा आपके लिए सफिशियंट। आगे डेट फाइनेंसिंग, तो पहला तरीका बैंक और एनबीएफसी से लोन लेना, बहुत आसान नहीं होता बट ऑप्शन तो होता है, स्टार्टअप भी लोन लेने, फॉरेन से पैसा ले आए, दो रूट से आता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, कंपनी तो ला सकती है, एलएलपी को इंडिया में ईसीबी लाना अलाउड नहीं, ईसीबी दो तरह से आता है, गवर्नमेंट से पूछकर अप्रूवल रूट और बिना गवर्नमेंट से पूछे ऑटोमेटिक। ठीक है, ईसीबी से लाया हुआ पैसा लेकिन स्टार्टअप इन जगह पर यूज नहीं कर सकते, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑब्वियस है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते, किसी कंपनी को अक्वायर करने के लिए या रियल एस्टेट, ये पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नाउ लास्ट, सीजीटी एमएससी लोन, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोन। ये क्या होता है, कोई यार गवर्नमेंट 1 करोड़ तक का लोन बैंकों को बोलती है कि जो भी नए बिजनेस चल रहे हैं, फैक्ट्री एक्सेट डाल रहे हैं, छोटे लोग, उन्हें 1 करोड़ रुपए तक का लोन दो मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करने के लिए विदाउट एनी कोलेटरल, और गवर्नमेंट आपको उसकी गारंटी देगी, और अगर वो लोन नहीं चुकाता है बोरोवर तो गवर्नमेंट चुकाएगी, ये सीजीटी एमएससी, लेकिन ये 1 करोड़ रुपए तक के लोन पर ही एप्लीकेबल हो ना। अब स्टार्टअप अगर एक बार रजिस्टर्ड हो गई, सेटअप हो गई, अच्छा खासा पैसा मिल गया, तो बाद में तो फिर आईपीओ तो लेकर आ ही सकती है, वो सबसे अच्छा तरीका। इसके अलावा दो नाम और हैं जो पहले नहीं समझ पाते थे, अब समझ पाओगे, फॉरेन में जाकर ईसीबी तो फॉरेन से ला सकते हो, वैसे एडीआर जीडीआर भी तो इशू करके पैसा ला सकते हो। दो अनकन्वेंशनल मोड्स, दो और अनकन्वेंशनल क्या थे, एक तो इंक्यूबेटर और एक क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होता है, सोशल मीडिया पर अपना प्रोडक्ट दिखाएं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अपने प्रोडक्ट को वायरल करें, हालांकि पूरा बिजनेस मॉडल ना बता दें, पूरी अपनी रिसर्च ना बता दें, अदरवाइज कोई भी कॉपी कर लेगा, और मार्केट में पब्लिक के सामने सोशल मीडिया पर जाकर अपना अपना स्टार्टअप को प्रमोट करें, और छोटा छोटा पैसा लोगों से कलेक्ट करने के लिए बोलें, दो दो रुपये नहीं, लाइक लोगों को बोले 1000 रुपये भी दे सकते हो, 10,000 भी दे सकते हो। सीड फंडिंग, सॉरी क्राउड फंडिंग, तो
लोगों के सामने आइडिया रिप्रेजेंट करें और छोटा छोटा पैसा कलेक्ट करें। हालांकि क्राउड फंडिंग आज तक तो सेबी की गाइडलाइन से बाहर है, बट बहुत जल्दी सेबी उस पर हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दे, क्योंकि क्राउड फंडिंग में फ्रॉड भी हो रहा है। पैसा दे दिया आपने, कब वो वापस देगा? देगा भी नहीं देगा, बता देगा लॉस हुआ है मुझे, तो बहुत कुछ चीज है। और इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं? दे हेल्प एंटरप्रेन्योर टू डेवलप देयर बिजनेस आइडिया। उनसे बोलते हैं तुम अपने बिजनेस पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो, बिजनेस हम हैंडल कर लेंगे। ऑफिस स्पेस आपको अवेलेबल करवाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट देते हैं, लीगल सपोर्ट देते हैं, मैनेजमेंट में आपको सपोर्ट करते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग देते हैं, मेंटरिंग करते हैं आपकी। ये गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, IIT, IIM एटसेट्रा, जो ये काम करते हैं। लास्ट मुद्रा बैंक, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। मुद्रा बैंक पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बट ये कोई बैंक नहीं है, ये रीफाइनेंसिंग कंपनी है जो बैंकों को लोन देगी मुद्रा स्कीम के अकॉर्डिंग दूसरों को लोन देने के लिए। ये रीफाइनेंसिंग कंपनी है, ना कि फाइनेंसिंग कंपनी। ठीक है, होगा क्या इस स्कीम में? इस स्कीम में तीन तरह से आपको लोन मिल सकता है। कोई नया बिजनेस करने के लोन मिलता है अप टू ₹50,000, 50,000 से ज्यादा लेकिन 5 लाख तक, और 5 लाख से लेकिन 10 लाख तक, कहते हैं शिशु, किशोर और तरुण। अब कौन लोग मुद्रा बैंक से लोन ले सकते हैं? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वही छोटे छोटे लोग हैं सब, छोटे मोटे दुकानदार, फ्रूट एंड वेजिटेबल एजेंट, आर्टिसंस, कारीगर एटसेट्रा, ये लोग ले सकते हैं। नाउ लोन की प्रोसेसर क्या है मुद्रा बैंक? कुछ नहीं, जो भी व्यक्ति चाहता है मुद्रा बैंक से लोन लेना, वो किसी बैंक में जाकर अप्लाई करे मुद्रा योजना के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुद्रा बैंक तो है नहीं कहीं, रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। तो बेनिफिशियरी को आइडिया आता है नया स्टार्टअप या बिजनेस करने के लिए, वो किसी बैंक में जाए, अप्लाई करे मुद्रा योजना के थ्रू लोन लेने के लिए, बिना कोलेट्रल लोन मिलेगा। तो ये पैसा कौन देगा बैंकों को? फिर मुद्रा बैंक से पैसा आ रही है। कुछ लोग पूछते रीपेमेंट होता है क्या इसका? बेटा रीपेमेंट नहीं करवाना होता तो इसको ग्रांट बोलते, इसको सब्सिडी बोलते, ना कि लोन। तो लोन है, इसमें रीपेमेंट होगा। मैं एप्लीकेशन के साथ में क्या क्या? अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बिजनेस का बारे में बताना पड़ेगा, कितनी मशीन खरीद के ला रहे हो वो बताओ, ठीक है, सप्लायर का नेम एटसेट्रा बताओ, पता तो लगाएं किससे इतनी मशीन से लेकर मशीन लेकर आ रहे हो, कितनी की होती भी है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करते वक्त सबमिट करनी पड़ती है मुद्रा योजना की। इंडिविजुअल बैंक दूसरे और भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। मुद्रा बैंक कोई सेपरेट बैंक नहीं है, ये गवर्नमेंट फाइनेंसिंग स्कीम है बिजनेस लोन देने के लिए, नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI तय करेगी, वही बैंक के ले सकती है। मुद्रा लोन इन चीजों के लिए भी दिया जा सकता है, बिजनेस लोन फॉर वेंडर्स, ट्रेडर, शॉपकीपर तो पहले भी था। मुद्रा बैंक के थ्रू, मुद्रा कार्ड के थ्रू आप वर्किंग कैपिटल का लोन भी ले सकते हो, केवल जरूरी नहीं है लॉन्ग टर्म का ही लोन हो, वर्किंग कैपिटल का लोन भी हो सकता है। आप कोई उपकरण खरीद रहे हो, इक्विपमेंट अपनी फैक्ट्री के लिए, उसके लिए भी मुद्रा लोन ले सकते हो, है ना। आप एग्रीकल्चर के लिए लोन ले रहे हो, मुद्रा लोन ले सकते हो, और ट्रैक्टर, टिलर, टू व्हीलर्स जो कमर्शियल पर्पज यूज होते हैं उनके लिए भी आप मुद्रा लोन ले सकते हो। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए मुद्रा लोन मिलता है। पर्सनल सर्विस यूटिलिटी लाइक जिम, बुटीक, टेलरिंग शॉप, पार्लर, ब्यूटी पार्लर, सैलून एटसेट्रा। फ्रूड प्रोडक्ट सेक्टर के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, बिल्कुल उनको भी मिलता है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, बिजनेस लोन जो अनसिक्योर्ड लोन देते हैं शॉपकीपर एटसेट्रा जो लेते हैं, उन्हें भी मुद्रा लोन मिल सकता है। इक्विपमेंट फाइनेंसिंग स्कीम फॉर माइक्रो यूनिट्स, 10 लाख रुपए तक का स्टार्टअप को लोन मिल सकता है कुछ इक्विपमेंट खरीदने के लिए, तो ठीक है। मुद्रा कार्ड क्या होता है? जैसे डेबिट कार्ड होता है वैसे मुद्रा लोन अगर आपको मिलेगा तो साथ में आपको एक कार्ड इशू किया जाएगा, मुद्रा कार्ड, जिसके थ्रू आप वर्किंग कैपिटल का पैसा एटलीस्ट अरेंज कर सकते हो, वो एक तरह से क्रेडिट कार्ड है। ठीक, तो ये था एक और टॉपिक, स्टार्टअप्स इंडिया। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।